लोग पत्ता गोभी काट चुके हैं, प्याज काट रहे हैं। प्याज काटने के बाद अब हम लोग परोठा तैयार करेंगे। पहली बार परोठा बनाने चल रहे हैं पत्ता गोभी का, देखते हैं कैसा बनता है। अब खाने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों स्वाद। अभी तो कट गया है, प्याज भी हमारा कट गया है। बस अब आटा गूंथने चल रहे हैं, उसके बाद परोठा तैयार करेंगे। कि हमारा पत्ता गोभी कट चुका है। अब पत्ता गोभी हमारा पक मतलब भूज उज लिए हैं, आपको बताए थे पहले, भूज लिए हैं। अब चल रहे हैं आटा गूंथ लिए हैं, अब चल रहे हैं इसमें भर के बेलेंगे, उसके बाद सेकेंगे परोठा। जिम में तो अभी से पानी आ रहा है दोस्तों, बस क्या करें, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जल्दी से जल्दी बना के खाना है, क्योंकि भूख भी लग रहा है, टाइम भी हो गया है। अब टाइम हो गया है, बनाएंगे परोठा। देखिए दोस्तों, एकदम मुलायम आटा लग चुका है हमारा परोठे की। बस अब बनाने चल रहे हैं यार दोस्तों, चुका है दोस्तों, अब चल रहे हैं बनाने। स्टोव हमारा जल चुका है, अब बनाएंगे परोठा। स्टोव भी दिखा रहा है नखरा, क्या करें दोस्तों, गैस है नहीं, स्टोव पे ही बनाना पड़ रहा है। हमारे पास भैया स्टोव है, गैस तो है नहीं, गैस तो हटा खत्म हो गया है, बनाना पड़ रहा है स्टोव पे। ले लिया हूँ आटा दोस्तों, अभी थोड़ा एक काम और बाकी है, खाएंगे दोस्तों क्या है, बढ़िया बनता है। आटे इसी में गुलियाना है, उसके बाद इसको थोड़ा बड़ा करना है, चिपक रहा है दोस्तों, लगाएंगे थोड़ा पैथन। मोटा रहेगा, साइड साइड में पतला रहेगा। ये रख दिया तावा, ये हो गया बीच 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 में मोटा, साइड में पतला, तभी बनेगा दोस्तों, नहीं तो फट जाएगा, मसाला सब बाहर आ जाएगा दोस्तों। मसाला अब बनेगा हमारा परोठा। तो हमारा बेलना चालू हो गया है परोठे का, हल्के हाथ है, ज्यादा दबा के बेलेंगे तो दोस्तों फट जाएगा, इसलिए इसको हल्के हाथ बेलना पड़ता है। सेकना चालू कर दिए हैं दोस्तों, एक साइड हल्का पकाना है दोस्तों, उसके बाद इस पे डालना है तेल। दोस्तों तेल लगाना चालू कर दिए हैं, अब एक साइड हो गया है, इसको मारेंगे पलटी, चारों तरफ तेल डाल के पहली बार बना रहे हैं दोस्तों, क्या करें। दोस्तों थोड़ा थोड़ा फूल रहा है परोठा, जितना दबा के सेकेंगे उतना बढ़िया बनेगा परोठा। रुक जाए, ऐसे मत चालू कर, अभी फटा है परोठा। दोस्तों हमारा परोठा बनके तैयार, अभी एक ही परोठा बना है दोस्तों, पूरा मत समझिएगा बन गया है।